अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, दिस इज़ GMPK के ऑफिशियल। आप मेरी बैक साइड पे देख रहे होंगे कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं। ये जो बिल्डिंग्स हैं ये शारजा की हदूद में है, ये साथ ही बॉर्डर है शारजा का। तो मैं इधर खड़ा हूँ दुबई की तरफ, तो उधर जा रहा हूँ अभी, शारजा की तरफ जाऊँगा। शारजा के रोड से जाता हुआ फिर दुबई में आ जाऊँगा। ये है टाइगर बिल्डिंग, इसमें जो है ना तकरीबन ऐसे समझें कि 7-8 साल पहले जो है ना मेरे पास उस वक्त भी काम शायद नहीं था, तो मैं इधर एक उमर भाई हैं उनके पास आया था, वो रियल स्टेट का काम करते हैं, तो उनके पास मैंने जो है ना ये एज ए ब्रोकर काम किया था। वो काम ये होता है कि रूम रेंट पे दिलवाने होते हैं। तो ये जो टाइगर बिल्डिंग है ना, इसमें मैंने एक क्लाइंट आ गया था, तो उसको जो है ना फ्लैट दिलवाया था। अब फिर मैं यहीं आया हूँ, अब उमर भाई के पास जा रहा हूँ। मैंने कहा चलो आया हुआ तो हूँ, अब ज़रा वहाँ जा के गपशप करते हैं। अब मैं जा रहा हूँ उमर भाई के पास। उमर भाई इधर रहते हैं अलनादा वन में, वो दुबई की हदूद में आता है। ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बिल्डिंग्स दिखाई हैं वो भी अलनादा वन है, लेकिन वो शारजा की साइड है। ये अब मैं जिस तरफ जा रहा हूँ ये दुबई का एरिया है, वो बैक साइड पे था वो एरिया। तो मेरे जो सामने एरिया है वो अलनहदा 2 है। चलें, मैंने कहा मैं आज गया था अपनी पुरानी कंपनी में, मैंने कहा ट्राई करते हैं, तो वहाँ काम नहीं बना। उन्होंने कहा नहीं जी सॉरी। तो चले, मैंने कहा ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, जो इंसान का मुकद्दर है वही मिलता है, यहाँ नहीं कहीं और सही, कहीं और नहीं कहीं और सही, ट्राई जारी रखेंगे इंशाल्लाह। तो अब आपको शायद जो है ना ये बैक साइड जो है ना ये मेरी ये दुबई एरिया है, दुबई की ये जो है ना ये कमर्शियल एरिया है। अब ये जो रोड दिखाई दे रहा है ना ये अमन स्ट्रीट है, अमन स्ट्रीट। तो मेरे सामने जो है ना ये जो बैक साइड है ना ये आपको दुबई की बिल्डिंग्स दिखा रहा हूँ, दुबई अलनहदा 2 अमन स्ट्रीट रोड पे ये बिल्डिंग्स हैं। ये देखें, इन बिल्डिंग्स में मैंने सर्चिंग की हुई है, सर्चिंग लाइक फ्लैट के बारे में, मतलब इंफॉर्मेशन ली हुई है कि यहाँ 1 बेडरूम 2 बेडरूम 3 बेडरूम उनके रेंट्स, ये सब कुछ हमारे पास एक छोटी। मैं यहाँ आया था अपने एक दोस्त से मिलने डेरा दुबई, तो उसके रूम में गया तो वहाँ कोई और आ गए थे, देशी भाई आ गए थे, बांग्लादेशी ब्रदर आ गए थे उधर, तो वो नहीं था। तो मैंने फिर उसका नंबर सर्च किया मैसेंजर पे, मैसेंजर पे उसका व्हाट्सएप नंबर मिला, लेकिन वो भी उसमें लास्ट सीन आ रहा था मई का, तो अभी जून चल रहा है, पता नहीं वो कहाँ है। चलें कोई बात नहीं, आया हूँ घूम फिर के वापस जा रहा हूँ। तो अभी मैं जो है ना आपको दिखाना चाह रहा था कि ये है डेरा दुबई। ये आप मेरी तरफ पीछे देखेंगे तो ये सारी बसेस खड़ी हैं, ये दुबई की RTA की बसेज हैं, रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। ये देखें, ऐसे समझें ये बस स्टेशन है, गोल्ड स्टोक बस स्टेशन यहाँ। तो दोस्त तो मेरा मिला नहीं, उसका भी मेरा ही नाम था, सेम नाम था, गुलाम मुर्तजा नून, मुजफ्फरगढ़ ज़िला मुजफ्फरगढ़ का रहने वाला था। अभी मालूम नहीं वो किस बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया है। तो मैंने कहा चलो, आया तो था मिलने पर वो मिला नहीं, कोई बात नहीं हम फिर अपनी वीडियो बना लेते हैं, यहाँ का माहौल देख लेते हैं। ये जनाब डेरा दुबई है, पाकिस्तान में भी कहते हैं लोग यार उधर डेरा दुबई है, वाकई ये डेरा दुबई है। ये है जी राश अपना दुबई की, दुबई RTA की डबल डेकर बस। ये है इंटरनेशनल सिटी,
मोराको। मैंने कहा चलें आज आपको दुबई में जो है ना जो जो प्लेसेस हैं, ये दुबई ये जा रही है राष्ट्रीय, यहाँ से इंटरनेशनल सिटी से राष्ट्रीय जा रही है, राष्ट्रीय बस स्टेशन। और ये देखें आपको व्यू दिखाता हूँ, ये सामने ये राइट साइड में तो मोरक्को है, और ये जो लेफ्ट साइड है इसका है नाम, इसका नाम मैं पढ़ नहीं सकता अभी क्योंकि शो ही नहीं हो रहा। ये देखें आप कितनी गाड़ियां खड़ी हैं पार्किंग में, अभी तो कम है, ये जब आप रात को देखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा गाड़ियां यहां दिखती हैं। मैं कहता हूं यहां जो है ना गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं होती, लोग फिर ये जो जगह है ना ये इंटरलॉक वगैरह लगे हुए हैं ऊपर चढ़ा देते हैं, यहाँ इतनी वो शायद आप उस तरफ देखें तो आपको उधर भी काफ़ी गाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी। ये है जी सीन यहाँ का दुबई इंटरनेशनल सिटी। अब मैं जा रहा हूँ अपनी पुरानी कंपनी की तरफ, एक बार फिर ट्राई करने जा रहा हूँ ताकि जो है ना हो सकता है कोई चांस मिल जाए, है तो नसीब की बात। एक बार पहले भी गया था, पहले जिस दिन गया था उस दिन भी मैंने वीडियो बनाई थी, तो आज फिर मैंने कहा चले आज फिर एक वीडियो बना लेता हूँ। ये यहाँ का आप माहौल देखें कितना साफ़ सुथरा है, रोड कितने नीट एंड क्लीन है, हर चीज़ की यहाँ जो है ना ख्याल रखा जाता है।